आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। पहली बात, कहा जाता है कि सबसे पहले बने सोमनाथ मंदिर में चंद्रमा द्वारा बनाया गया सोने का मंदिर, फिर रावण द्वारा बनाया गया चांदी का मंदिर और फिर कृष्ण भगवान द्वारा बनाया गया संदल की लकड़ी का मंदिर था। स्कंद पुराण के प्रभास कांड के मुताबिक पहले सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा त्रेता युग में श्रावण महीने में हुई थी और स्कंद पुराण के अलावा सोमनाथ मंदिर का वर्णन ऋग्वेद और शिव पुराण में भी है। दूसरी बात, सबसे पुराना सोमनाथ मंदिर खंडहर के रूप में अब के बने सोमनाथ मंदिर के पास ही है और आखिरी सोमनाथ मंदिर 1951 में बनाया गया था। तीसरी बात, 11वीं शताब्दी में महमूद ऑफ गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने से पहले इसे 8वीं शताब्दी में सिंध के अलजुनैद द्वारा और बाद में 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और 16वीं शताब्दी में गोवा के पोर्टुगीज द्वारा हानि पहुंचाई गई थी और इनके अलावा और भी शासकों ने सोमनाथ मंदिर को हानि पहुँचाई है। चौथी बात, कहा जाता है कि चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था लेकिन अपनी बाकी की पत्नियों को छोड़कर वो ज्यादा प्यार रोहिणी से ही करते थे और इसी बात पर गुस्से में आकर दक्ष ने चंद्रमा को अपनी रोशनी खोने का श्राप दे दिया और यही वो जगह थी, जी हाँ, सोमनाथ के पास प्रभास तीर्थ, जहाँ आकर चंद्रमा ने शिव जी की आराधना की और अपना तेज वापस पाया। और भलका तीर्थ ही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे और आज भी ठीक उसी जगह उसी पेड़ के ऊपर कृष्ण भगवान की सबसे सुंदर प्रतिमा है। तो ये थी कुछ जानकारी सोमनाथ मंदिर के बारे में।